जब किसी की जान चली जाएगी तो आएंगे लोग यहाँ पर। मतलब भारत में जब तक कोई मर ना जाए ना, कोई जगेगा नहीं। वो भी जब तक मरोगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब बच बचा के रहना, क्योंकि सरकार तो पहले से कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो। राजस्थान सरकार एकमात्र सरकार है जिसने एरिया डिसाइड कर दिया कि इस एरिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, बाकी किसी को मतलब नहीं। पहले घटना से 10 दिन पहले देखो, वो पाइप जो फटा है वो कमजोर होगा, उसकी जांच कब हुई है? जब बच्चों की जान चली गई है तब। सर दिल्ली में कुछ कोचिंग सील हुई है, दिल्ली में ये अभी सील हुई है, इससे पहले भी बहुत सारी कोचिंग सील हो गई थी। जब फायर वाला इशू था, हम लोगों ने दिल्ली में हम लोग का भी ऑफिस वगैरह को क्या कर दिया गया, बंद किया, जबकि हम लोग की ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे थी। और एमसीडी का कहना था कि ऊपर वाले फ्लोर को ही सील किया जाएगा, लेकिन हम लोग का ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे रहने के बावजूद कोनो कोनो रिपोर्ट लगा दिया कि इनका ग्राउंड फ्लोर नहीं है, इनका पहला तल्ला। जानते हो क्या है, ऑफिसों में जाने के लिए 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, पानी ना घुस जाए तो आदमी ऊंचाई पे नहीं बनाता है 3 सीढ़ी। हम लोग का भी ऑफिस क्या कर दिया, सीज कर दिया, जबकि लोहे की सीढ़ी बनाई गई है कि मतलब थोड़ा हाइट पे था आदमी, जो ऑफिस क्या कर दिया, सील कर दिया। हम क्या किए कि वहां से 1 किलोमीटर दूसरे जगह बना दिए, थोड़ा दूरी पे बना दिए, वहां पे बड़ा क्लासरूम है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है, फायर का दिक्कत नहीं है, निकलने का रास्ता अलग है, जाने का रास्ता अलग है, फायर सेफ्टी सारे नॉर्म्स पूरी कर दिए। मुखर्जी नगर का एरिया कोचिंग के लिए सरकार ने कभी कोई एरिया ही नहीं बनाया कहां कोचिंग चलना चाहिए। इसके लिए राजस्थान सरकार को धन्यवाद। राजस्थान सरकार एकमात्र सरकार है जिसने एरिया डिसाइड कर दिया कि इस एरिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, बाकी किसी को मतलब नहीं है। जब किसी की जान चली जाएगी तो आएंगे लोग यहां पर। मतलब भारत में जब तक कोई मर ना जाए ना, कोई जगेगा नहीं। वो बेचारे अपने सपना लेके आए थे बेसमेंट में फंस के। अच्छा अगर सपोज करो कि उनकी डेथ नहीं हुई रहती, कोई सुनता? 1 महीना पहले घटना से 10 दिन पहले देखो, वो पाइप जो फटा है वो कमजोर होगा, उसकी जांच कब हुई है? जब बच्चों की जान चली गई है तब। जब तक मरोगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है यहां पे। अब बच बचा के रहना, क्योंकि सरकार तो पहले से कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो। अब तो हमको तुमको ना बुझाए तो हम क्या करें? किसी पोल का खंभा मत छूना, मार देगा धाए दे उड़ जाओगे। पटना में पानी लगल रहे तो संभल के चलना, कौन सा बेसमेंट का गटर खुला रहेगा, धाए दे घप दे चल जाओगे अंदर, मर जाओगे, काम खत्म। कि बिहार में किसी पुल के ऊपर से जाना तो भी सावधान, धबाक दे नीचे आओगे, नीचे से जाना तो भी सावधान, चपाक से नीचे गिरेगा। अपनी सुरक्षा स्वयं करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमें क्या बनना है, आत्मनिर्भर। क्या बनना है तुम्हें बुझाइए नहीं रहा तो क्या करेगा कोई? हाँ हवा में उड़ोगी लोग, ये तुम लोग मत उड़ना जी, जहाज आज गिरा देगी सही से। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कल हम आपको कहां तक बताए थे?